भाई आप नए यूजर हो दोस्तों, अगर आप SBI के दोस्तों तो कैसे दोस्तों आप लोग भाई इस पर लॉगिन करोगे भाई यूनो SBI एप्लीकेशन पर। और दोस्तों कैसे आपको इसको सेटअप करना है, कैसे लॉगिन करना है और दोस्तों कैसे कैसे सब किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को एंड तक देखो दोस्तों। मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग यूनो पर दोस्तों, अगर आप नए ग्राहक हो नए यूज़र हो तो भाई कैसे इसको लॉगिन करना है यूनो एप्लीकेशन पर। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जब भी कोई वीडियो आता है यूनो के बारे में यूनो SBI के बारे में तो आपका इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा। तो भाई सब्सक्राइब कर लो भाई। चलिए भाई चलते हो भाई अपने मॉल एप्लीकेशन पर, वहीं बताऊंगा कि यूनो SBI पर आप कैसे लॉगिन करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको भाई अपना यूनो SBI एप्लीकेशन भाई करना भाई डाउनलोड, ठीक है भाई। मेरे पहले से भाई डाउनलोड भाई आपको सिंपल भाई यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो SBI एप्लीकेशन है यूनो SBI आपको इसको करना ओपन। दोस्तों ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, यहाँ पर लिखा दोस्तों यू ओनली नीड वन, ठीक है ना। अब दोस्तों ये ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको कैसे लॉगिन करना है और कैसे क्या क्या करना होता है प्रोसेस, तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है ना भाई। यहाँ पर देखो लिखा है प्लीज सेलेक्ट टू प्रोसेस, ठीक है। तो आपको सिंपल भाई ऊपर इसमें क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ये है दोस्तों कि जो भी आपने सिम दिया है SBI को और वो कौन से नंबर पर लगा है, सिम सेलेक्ट वन पर लगा है कि टू में लगा है, ये आपको देख लेना है। तो भाई मेरा टू में, तो मैं टू में क्लिक करूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है यूनो रजिस्ट्रेशन, इसके बाद यहाँ लिखा है यू ऑलरेडी हैव अ एक्टिव SBI इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है ना। तो आपको प्रोसेस टू क्लिक में क्लिक करना है। इसके बाद उसे यहाँ पर लिखा यूज़र नेम और पासवर्ड, तो भाई जो भी आपका यूज़र नेम पासवर्ड दिया है बैंक की तरफ से तो आपको सिंपल यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर नीचे लिखा है देखो सबमिट, आपको सबमिट पर क्लिक करना है भाई। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो है प्रोसेस चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई मैंने सबमिट में क्लिक कर दिया है और भाई क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो एक OTP आएगी आपके मोबाइल नंबर पर, तो आपको सिंपल OTP को फिल करना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मेरी OTP आ चुकी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर OTP आने के बाद मैं अपनी OTP को यहाँ पर जल्दी से फिल कर देता हूँ, ठीक है। दोस्तों हमने OTP एंटर करने के बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट, हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो लिखा है भाई कंसेंट, मतलब भाई यहाँ पर आपको अपना MNP जो होता है ना, क्या बोलते हैं MPIN, ठीक है, पिन जो होता है इसको बनाना पड़ता है। तो भाई यहाँ नीचे आते हैं, नेक्स्ट में फिर क्लिक करते हैं या आप टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर लेना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है सेट न्यू MPIN, ठीक है। जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो एक पिन मांगते हैं, तो आपको पिन सेट करना है, ठीक है ना। तो हम जल्दी से अपना पिन सेट कर लेते हैं। दोस्तों अपने भाई अपना पिन जो है भाई वो सेट कर लिया है ट्रांजेक्शन वाला, ठीक है ना। इसके बाद नीचे आते हैं, नेक्स्ट में क्लिक करते हैं भाई। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ दोस्तों देखो लिखा भाई ये देखो बधाई वाला ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। ये SBI का ऑप्शन भी आ चुका है, मैसेज आ चुका है और भाई यहाँ रजिस्ट्रेशन जो है भाई वो सक्सेसफुल हो चुका है हमारा, मतलब जो भी होता है लॉगिन वाला। अब इसके बाद दोस्तों हम इस पर ओके में क्लिक करेंगे और भाई यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों भाई हमारा यूनो एप्लीकेशन दोस्तों ओपन हो चुका है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। अब भाई यहाँ दोस्तों ओपन करने के बाद आप दोस्तों यहाँ से पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, अपना बैंक बैलेंस देख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब काफ़ी कुछ आप यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आपका कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया है, ये आप सब कुछ अपने यूनो SBI एप्लीकेशन से देख सकते हैं। तो भाई आप इस तरीके से भाई अपना यूनो SBI एप्लीकेशन से आप लॉगिन कर सकते हैं। भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। मिलते हैं जल्दी से एक और नेक्स्ट वीडियो पर, SBI की और भी आगे वीडियो मिलती रहेंगी ऐसी।